जादू के झूठे उड़ा के ले चलो हमको वहाँ, विदेशी जादूगर छुप के बैठा है जहाँ। हमारे महाराज बहुत खुश हैं कि तुमने यहाँ के लोगों की जुबान बंद कर दी है। अब जल्दी से इन सबका देखना और सुनना भी बंद करना पड़ेगा, फिर ये सारा देश हमारे राजा के कब्जे में होगा। तो ये चक्कर है, लोगों को भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। जल्दी करो जादूगर, इससे पहले कि कोई यहाँ पे आ जाए। जल्दी करो, हमारे महाराज बहुत खुश है। रोका रोला रोला बोला जैक मेडिसिन चोली छोला। भैया भैया, मेरा होने का जादू पर क्या, अंधा होने का जादू तो पहले ही हासिल कर चुके हैं। अब हमारे कदमों को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, लेकिन भूख बहुत होने की कमी है। ये अगर जादूगर काम करते वक्त खाना बिल्कुल ही भूल जाता है, और मैंने तो आटे खाने की कोशिश की तो मैं पकड़ा जाऊंगा। जादूगर जी, यहाँ से निकलने से पहले क्या हम कुछ खा सकते हैं? फिर से वो ही गोलियां, इनसे भूख कम मिट जाती है लेकिन दिल नहीं भरता। अब तुम्हारा खेल खत्म, हमने सब कुछ सुन लिया, सब कुछ देख लिया, सब कुछ। अरे ये दोनों कौन है, कहां से आए जादूगर? अब इस सब का कोई ठिकाना नहीं। ओके चलो इन्हें रस्सी। हां जादूगर, इससे पहले कि ये हमें अपनी रस्सी से बांध दे, तुम अपनी जादू की रस्सी से इन्हें बांध दो। सुपर महाराज ने क्या कहा था? हम चूमेंगे और दुश्मन हैरान रह जाएंगे। जासूस जी, जादूगर जी, क्या हम मरने से पहले आखिरी बार गा बजा सकते हैं? हाँ चलो। नहीं ये गाना है सब।
have had a great experience in the past 15 days. All of us here were a part of a theatre workshop organized by Mr. Buljeet Singh, the founder director of Italia Theatre Society. He is very passionate and enthusiastic about theatre. He has directed many plays and is also active in many of them. He is also associated with films. To be with Buljeet sir has been a pleasure for us, right from the warm-up exercises, the improvisations, to the drumming of the play. Each day brought with it new challenges and a new learning experience. We are very thankful to Mr. Buljeet for organizing such a wonderful workshop for our students and being patient with our budding actors. We are also grateful to Mr. Nitin Sharma, whose love, patience and acting skills brought out the best in our students. It was under his direction that this play